Hello everyone, this is Ayushi. If you are new to my channel, first click on subscribe button. In today's video, I will explain you Python tuple methods. Python has two inbuilt methods that you can use on tuples, count and index. अगर मैं Python tuple methods की बात करती हूँ तो दो types के दो built-in methods हैं, count and index. Count की मदद से आप जो भी particular element को tuple में show कर रहे हैं उस item का या फिर उस element कितनी बार उस tuple में आया है, इस count को आप calculate कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स आप सर्च कर सकते हो टपल में स्पेसिफाइड वैल्यू का इंडेक्स. तो इसका अगर आपको टपल का काउंट पता करना है तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर जो टपल बनाया था उसमें मैंने वन का काउंट कैलकुलेट किया है. मींस सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट था, दैट इज़ वन. तो वन मैंने कितनी बार बनाया था, एक बार बनाया था, तो इसीलिए उसका काउंट आ गया वन. अगर मैं इसी ये जो मैंने नम बनाया है 10, 20 और 30 का, अगर मेरे को इसका काउंट निकालना है तो मैं क्या करूँगी, टपल डॉट काउंट और काउंट में 10, 20, 30 मुझे जिसका भी निकालना है मैं निकालूंगी. जैसे मुझे 20 का निकालना है तो मैं सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगी, 20. और क्योंकि टपल में 20 सिर्फ एक बार आया है तो मुझे काउंट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा. सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट इंडेक्स ऑफ टपल तो आपका फॉर्मेट ये रहेगा, सिंटेक्स ये रहेगा, आपको नाम लिखना है. मीन्स जिस भी नाम से आपने टपल बनाई है उस टपल का सिंपली आप नेम लिखिए, डॉट लगाइए, डॉट ऑपरेटर यूज करो, इंडेक्स लिखो, इंडेक्स के अंदर जो सर्कुलर ब्रैकेट है उसमें जिस भी एलिमेंट का आपको जिस स्पेसिफाइड वैल्यू का इंडेक्स पता करना है उसे आप लिखो और आपको उसका इंडेक्स मिल जाएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 लिखा है तो आपको क्लियरली विजिबल है 0 इंडेक्स पर 10 है और 1 इंडेक्स पे 20 है एंड 3 इंडेक्स पे 30 और मुझे एज अ आउटपुट 1 मिला है 20 वैल्यू का. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू वांट